आगे और रानीगंज में जेडीयू आगे चल रही है। दूसरे पर मैं आऊं उसके पहले जल्दी से आप साइड में आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, जेडीयू 50 के आंकड़े को छू चुकी है, बीजेपी 72 पर। और यहां पर आपको बताते चले 11 सीटों पर वीआईपी ने चुनाव लड़ा था और 6 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू के मुकाबले वीआईपी के लोग जो हैं वो बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। तो यहाँ पर एक तरफ बीजेपी सबसे अच्छा कर रही है और उसके बाद उनकी जो गठबंधन वाली पार्टी वीआईपी है वो अच्छा कर रही है। हमको 7 सीटें दी थी, आप दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी की गई थी नीतीश कुमार की ओर से, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जीतन राम मांझी अपनी गया की इमामगंज सीट पे ही आगे चल रहे हैं, बाकी उनके रिश्तेदार भी पीछे हैं। फिलहाल दूसरी तरफ हम नजर डाल लेते हैं जल्दी से फारबिसगंज में बीजेपी आगे चल रही है, गुरुआ में आरजेडी, बेगूसराय में कांग्रेस आगे चल रही है, दिनारा में एलजेपी आगे, गया शहर में बीजेपी आगे, राघोपुर में आरजेडी आगे। राघोपुर सीट तेजस्वी यादव की है, 2010 में एक बार ये सीट हारी है आरजेडी, वरना 1995 से लगातार राघोपुर आरजेडी के गढ़ के तौर पर सामने, क्योंकि वहां पर यादव मतदाताओं की एक बहुत बड़ी तादाद है। नीचे बढ़ते हैं, तारापुर में जेडीयू आगे, बलरामपुर में सीपीआई एमएलएल आगे, बहादुरगंज में वीआईपी आगे, हरलाखी में जेडीयू आगे, मोकामा में आरजेडी आगे, इस्लामपुर में आरजेडी, रक्सौल में बीजेपी, पटना साहिब में कांग्रेस आगे, हयाघाट में आरजेडी आगे, चैनपुर में बीजेपी आगे, परिहार में बीजेपी आगे, सिंहेश्वर में जेडीयू आगे, सिकटी में आरजेडी आगे चल रही है, जोकीहाट में बीजेपी, इमामगंज में आरजेडी आगे चल रही है। इमामगंज यहीं से उतरे हैं गया की इमामगंज सीट से हम के मुखिया जीतन राम मांझी, लेकिन आरजेडी आगे चल रही है। चेरिया बरियापुर में आरजेडी, डुमरा में सीपीआई एमएल, शेरघाटी में जेडीयू। तो ये एक बड़ी तादाद है आप देख पा रहे हैं, और एक बार स्क्रीन पर देखिए जरा गौर से किस तरह की अब तक स्थिति रही है। 242 के रुझान सामने आए हैं, 128 पर एनडीए, आरजेडी प्लस 97 पर, अन्य 17 पर। क्या इसी तरह का ट्रेंड अब देखा जाएगा, क्योंकि 11 बजने जा रहे हैं और इसके बाद क्या ऐसी ही स्थिति रहेगी, क्योंकि एनडीए ने एक बार बढ़त ले ली है आरजेडी के ऊपर, तो लगातार वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, महागठबंधन में आरजेडी 64, कांग्रेस 19 पर, जबकि एनडीए में जेडीयू 49 पर आ गई है, बीजेपी 72 पर, वीआईपी 6 पर और हम की पार्टी 1 पर। अब जरा कंप्यूटर बाबा के पास चलते हुए सबसे पहले आपको ग्रामीण क्षेत्र, जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बिहार में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं 213 ग्रामीण इलाकों में से एनडीए 107 पर, आरजेडी प्लस 88 पर, एलजेपी 7 पर, और यहाँ पर एनडीए को अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इन 213 ग्रामीण क्षेत्रों में से एनडीए जिन पर 107 पे आगे चल रही है उसमें बीजेपी 52 पर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, 52 पर आगे चल रही है, जेडीयू ने 48 पर, वीआईपी 6 पर और हम 1 पर। इसके बाद आरजेडी पर नजर डालते हैं, आरजेडी ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर आरजेडी 59 पर, 88 महागठबंधन की जो अब तक के रुझान की सीटें हैं, आरजेडी 59 पर, कांग्रेस पार्टी 16 पर, सीपीआई 2 पर, सीपीएम 3 पर, सीपीआई एमएल 8 पर, और यहां पर एलजेपी 7 पर। हमारे साथ बने हुए हैं अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी का बार बार जिक्र करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन 142 में से एनडीए 130 पर, आरजेडी प्लस लगातार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जरा क्षेत्रवार हम नजर डालेंगे, और क्षेत्रवार समझते हुए आपको बता दें कि आपको पता चल पाएगा क्षेत्रवार पर आते हैं, क्षेत्रवार कहाँ कौन, ये देखिए 6-6 अलग अलग हिस्सों में हमने बात कर रखा है। सबसे पहले भोजपुर की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये इलाका, सबसे नजदीक वाराणसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है, और यहाँ पर एनडीए 14 पर, आरजेडी प्लस 31 पर, एलजेपी 1 पर, अन्य 2 पर। भोजपुर की 49 सीटों में से 48 के जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए 14 पर, आरजेडी प्लस 31 पर, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो नीला वाला हिस्सा वो नजर आ रहा है ज्यादा, एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये इलाका है। चंपारण की बात कर लेते हैं, ये ऊपरी हिस्सा है, बिल्कुल यहाँ पर नेपाल है, आप वॉक करके, एक छोटी सी नदी है उसको वॉक करते हुए पार कर जाएंगे तो वाल्मीकि जी का आश्रम है, मान्यता है कि वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और ये देखिए पूर्वी पश्चिमी चंपारण, चंपारण की कुल 18 सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए 14 पर, आरजेडी प्लस 3 पर, एलजेपी का खाता नहीं खुला है। एक अन्य एनडीए में भी अगर हम देख लें तो बीजेपी 12 पर आगे चल रही है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जेडीयू 2 पर आगे चल रही है, ये चंपारण की 18, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की हम बात कर रहे हैं, जहां की 18 सीटों में से 14 पर एनडीए आगे चल रही है, जबकि अगर आरजेडी प्लस पर नजर डाल लें तो आरजेडी 2 पर, कांग्रेस पार्टी 1 पर, यहां पर चंपारण में दिखाई दे रही है।
कोसी की हम बात कर लें, कोसी भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, 31 कोसी बेल्ट में पूरी की पूरी ये सीटें आती हैं। यहाँ पर एनडीए, ये देखिए एनडीए 20 पर इस वक्त आगे चलता हुआ। इन रुझानों के हिसाब से अगर इसका पूरा का पूरा ब्रेकअप देखें, बीजेपी 6 पर, जेडीयू कोसी में जेडीयू अच्छा कर रही है, 13 सीटों पर उसकी बढ़त है, वीआईपी 1 सीट पर, बीजेपी 6 सीटों पर, और आरजेडी प्लस की बात करें तो आरजेडी 5 सीटों पर, कोसी की इन 31 सीटों में कांग्रेस 2 पर, सीपीआई 2 पर, सीपीएम 1 पर। ये आप देख पा रहे हैं कोसी की 31 क्षेत्रों का हाल।